मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव बिलावाला स्थित पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी। किसान ने पेट्रोल पंप स्वामी के विरुद्ध थाना पुलिस और एसडीएम दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। भगतपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलावाला पेट्रोल पंप स्वामी के खिलाफ डीजल में पानी मिलाने का आरोप लगाया है। मुंशी राम किसान सेवा पेट्रोल पंप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमे किसानों ने डीजल में पानी मिश्रित करने का पेट्रोल पंप स्वामी पर आरोप लगाया है, जिसकी आज नायब तहसील गौरव बिश्नोई की अध्यक्षता में क्षेत्रीय खाद अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, बाट माप निरीक्षक, सेल्स ऑफिसर, इंडियन ऑयल के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। एक तरफ जहां किसान डीजल और पेट्रोल की महंगाई को लेकर पहले से ही परेशान है, वहीं पंप स्वामी अपनी जेब भरने के लिए किसानों की जेब पर डाका डालने से नहीं डर रहे हैं और लगातार पेट्रोल पंप स्वामी के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला काशीपुर दलपतपुर रोड स्थित बिलावाला गाँव के पास पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है, जहाँ पेट्रोल पंप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुरादाबाद से संवाददाता अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आप पर किस पक्ष में? मेरा नाम गौरव बिश्नोई है, मैं नायब तहसीलदार नगर हूँ। सर, 30 तारीख को मुंशीराम किसान सेवा पेट्रोल पंप पर एक वीडियो वायरल हुआ था और किसानों ने आरोप लगाया था कि यहाँ डीजल की जगह पानी दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला सर? ऐसी शिकायत आई थी कि कुछ मिलावट है यहाँ के, जो डीजल यहाँ पे दिया जा रहा है उसके संबंध में शिकायत आई थी, जिसके संबंध में एसडीएम सदर महोदय द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। इस टीम के सदस्य इसमें जो है एआरओ सप्लाई है, इंस्पेक्टर सप्लाई इंस्पेक्टर है, और वाट माप विभाग से जो इंस्पेक्टर है वो है, और एक जो इनके सेल्स पर्सन है जो इंडियन ऑयल के वो है। तो इसकी जांच की जा रही है, यहाँ से सैंपल्स लिए गए और उन सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, और अगर किसी भी तरह की कोई एडल्ट्रेशन होगी उस रिजल्ट में जो आएगी। सर, जो किसानों ने आरोप लगाया है यहाँ, तो उसके आधार पर क्या है इसमें? नहीं, आरोप के आधार पे ही जांच की जा रही है और रिजल्ट्स जो आएंगे लैब के उसके आधार पे हम कुछ कह पाएंगे, अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। सर, जो वीडियो वायरल हुई है उसके विषय में? वीडियो की मुझे जानकारी नहीं है। सर, यह थाने में तहरीर भी दी गई है जी इसी संबंध में जी। ठीक, तो क्या करें? पुलिस उस पर करेगी जाँच। ठीक, हमारा काम है जो हमें जो जांच सौंपी गई उसके जी। सर, ये जांच किस दिन में कब तक पूरी हो जाएगी सर? जैसे ही सब इसके लैब के रिजल्ट्स आ जाएंगे वैसे कुछ नतीजे पर पहुँच पाएंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका और किस पर हैं? दिनेश सिंह मेरा नाम है, ग्राम प्रधान हूँ। सर, एक मुंशीराम किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर बिलावाले में एक प्रकरण चल रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, उसमें क्या है पूरा मामला? जी, इसमें मैंने लगभग 8:30 बजे डीजल लेने मैंने अपना भांजा भेजा था जी, और था उसने 23 लीटर डीजल में 23 लीटर लगभग कुछ थोड़ा बहुत ही डीजल मिला हुआ है, एक आध लीटर जी, तो 22 लीटर पानी था। अच्छा, 22 लीटर पानी था। तो फिर आप ट्रैक्टर में डाला जी, और ट्रैक्टर बंद हुआ, जब मैंने उसे खुलवा के निकलवाया तो सारा पानी लेके मैं वापसी गया। अच्छा, जब पेट्रोल पंप में पहुंचा तो वहाँ पे और भी लोग, 3 लोग, एक डंपर वाला था, एक ट्रैक्टर वाला, और रास्ते में परेशान हो रहा जी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा सबके टैंकों में पानी निकला। अच्छा, और फिर बाद में कहा कि वो कोई मान के देने को तैयार राजी नहीं, और चालू हो गया। पेट्रोल स्वामी साहब, इस विषय में आपकी बात हुई थी तो मान के नहीं दे रहा, और अपने सेलमैन को कहने लगा, सेलमैन ने करा। अच्छा, पेट्रोल स्वामी का क्या नाम है? ये जो मुकेश कुमार नाम है उनका, मुकेश कुमार। अच्छा, तो इस बात की शिकायत आपने फिर की अधिकारियों से? हाँ, शिकायत की, एसओ साहब से गई, एसओ साहब भी जांच करने आए थे जी, और फिर सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के यहाँ वहाँ देखा हूँ, एजीएम साहब के यहाँ जी, और कमिश्नर साहब के यहाँ, सभी जगह मैंने शिकायत की है जी जी, जिसमें कुछ लोग आज टीम आई हुई है। अच्छा, और इसका कोई मुझे लगता नहीं कुछ हो गए। अच्छा, अभी तक जैसे 30 तारीख का मामला है ये, और 29 शाम की बात है, और अभी तक किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरह की भी? हाँ। अच्छा सर, और अधिकारियों ने कुछ कहा आपसे इस विषय में? नहीं, बोले हम जांच करेंगे। अच्छा, जांच करने के बाद में आज देखो सप्लाई इंस्पेक्टर आए हैं, क्या करते हैं ये लोग जी, आज जो अधिकारी आए हैं, अधिकारी लोग आए हैं, आज जब वो सैंपल ले गए तो सही टैंक में जहाँ था सही सैंपल ले गए, जहाँ पहले उस दिन का सैंपल मेरे घर पे भी रखा हुआ है बोतल में, और एसओ साहब के पास भी है। अच्छा, हाँ, आज तो
उन्होंने डीजल जो सही टैंक का साफ में से निकाल कर दिया, साफ में से निकाल के। मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग जो है सभी अपने गोल मिठा करके अपने चले जाए, मुझे लगता नहीं कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई होगी। अच्छा तो इस चीज़ से तो इस तेल से तो सभी क्षेत्र के जितने किसान है परेशान हो गए, शिकायत करने आज भी आ गए, जिसको पता लग रहा है आज भी कहा आपके सामने गया था। जी जी सभी शिकायत परेशान है, सभी शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ की, इन्होंने लूट के खा रखा है। जी जी जब बड़े स्तर पर कालाबाजारी चल रही है जी, बिल्कुल मिली वक्त है।